लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दरवाजा मत खोलना, ताया हुआ है। इसे ठिकाने लगा देते, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। आप तो कह रही थी कि अभी बिलाल को लेकर बाहर गई है। बिलाल तो घर में ही है। हाँ घर में है। तो बाजी भाभी जान कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? आप लोगों को नहीं पता तो किसे पता है? अभी मंतशा पर हावी होने लगी तो मैंने उसको बचाव करने के लिए उसके सर पर गुलदार मार दिया। बहुत डरावना ख्वाब देख रही थी। जिनके दिल में मैल होता है ना, वही डराने ख्वाब देते हैं। अब अबीर को कोई नहीं बचा सकता। मैं बहुत मर्डर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे एक और मर्डर करने में कोई झिझक नहीं होगी। तो बस एक बात याद रखना, रात को घर के पीछे का दरवाजा खोला रखना, ताकि वो आदमी आसानी से अंदर आकर अपना काम करके निकल जाए। Thank you.
बताओ बेटे, तुम्हारी हालत किसने की? अम्मी, कोई मुझे मारना चाहता था, अगर ताहा नहीं आता तो। मारना चाहता था? कौन तुम्हें जान से मारना चाहता था? पता नहीं कौन था। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों? जब आपकी अपनी औलाद पर मुसीबत आई तो आपके दिल को कितनी तकलीफ पहुंच रही है ना। मैं भी किसी की औलाद हूं। आप लोगों ने मुझे मरवाना चाहा, लेकिन अल्लाह मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी हिफाजत की। अगर मैं तस्वीरें नहीं बदलती तो मैं तब तक मर चुकी होती। लेकिन मैं आप लोग जैसे नहीं हूं। मैं अगर मदद के लिए नहीं चीखती तो अब तक मंतशा खबरदार, जो अपनी मजबूत जबान से मेरी बेटी के लिए कोई बड़ा अल्फाज निकाला तो। आप मुझे हकीकत बयान करने से नहीं रोक सकती। एक बार सोच लीजिए, अगर वो आदमी पकड़ा जाता तो आप दोनों का क्या हाल होता? अम्मी, तो जैसे मैं मर जाती। अगर अबीर नहीं आती तो बताए मेरा क्या होता? अब आपके बस की बात नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो मंतशा। मैंने जो कुछ भी किया अबीर के लिए किया, आज भी वो अपनी चालाकी की वजह से बच निकले, लेकिन अब मैं उसके लिए ऐसा कुछ करूंगी कि वो सोचते रह जाएंगे। हेलो, मैं हारिस बोल रहा हूँ अभी। हाँ बोलिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। कहिए कब और कहाँ मिलना है? कल शाम 4 बजे बंजारा रेस्टोरेंट में। ठीक है, कल शाम 4 बजे बंजारा रेस्टोरेंट में मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही है। उस आदमी का फोन आया था। किस आदमी का? वही जो अपने आप को हारिस बताता है। ओ, क्या बताया उसने? वो मुझसे मिलना चाहता है। तुमने क्या सोचा? मुझे लगता है हमें उसे एक बार मिलना लेना चाहिए। लेकिन अभी हो सकता है किसी की चाल हो, कोई हमें फंसाना चाहता हो सकता है, पर हकीकत जानना भी जरूरी है। ये भी ठीक है। उसने कल शाम का टाइम दिया है। कितने बजे जाना है? शाम को 4 बजे ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। देखिए देर मत कीजिएगा, क्योंकि शाम का टाइम है। मैं घर से किसी बहाने से निकलूंगी, इसलिए जल्दी वापस आना होगा। तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा हाफिज। जान, सलाम कहती तो भी काम चल सकता था। अम्मी, लाइफ में कभी कभी चेंज आना जरूरी है। चेंज?
मुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कोई चेंज आ सकता है। शायद आप जानती नहीं है कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? किसी की जिंदगी ऐसी करवट लेने वाली है कि उसके बाद सिर्फ गिरना ही उसकी तकदीर बन जाएगी। करवट, गिरना, तकदीर, ये सब क्या लगा रखा है? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। समझाती हूँ। बात यह है कि आज जिस मोहरे को हम मात देने वाले हैं, वो और कोई नहीं बल्कि अबीर है। मंतशा, पहले मैं ये ख्वाब देखती थी और अब तुम देखने लगी हो। अम्मी जान, ये ख्वाब नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ? अम्मी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने से ज्यादा देखने में मजा आता है। जब रिजल्ट सामने आएगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे शाबाशी देंगी। अच्छा, आज शाम अबीर की असलियत सबके सामने आ जाएगी और सबका भरोसा भी उस पर से उठ जाएगा। जिस दिन से उसने इस घर में कदम रखा है, उस दिन से ही मुझे उस पर शक है, मगर आज तक उसे गलत साबित नहीं कर पाई। लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस बार जो कहर उस पर टूटने वाला है, उसका अंदाजा तो अबीर को भी नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो अब बस उस मुबारक घड़ी का इंतजार है। तो चलिए अम्मी, उस मुबारक घड़ी के इंतजार में हम दोनों चाय पीते हैं। चलो आइए। क्या बात है बेटे, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अपू, बिलाल की तबीयत ठीक नहीं है। What? क्या हुआ उसे? जरा सा बुखार है। अच्छा, दवा दी उसे? वही लेने जा रही हूँ। कहाँ बेटे? डॉक्टर मुमताज के यहाँ। ओके ओके, बेटा थोड़ी देर रुक जाती, ताहा आता ही होगा, उसके साथ चली जाती। पता नहीं उनको कितनी देर लगेगी, मैं फौरन जाके लेके आती हूँ। ठीक है बेटे, जैसे आपकी मर्जी, मगर जरा संभल कर जाइएगा। जी। ओके। अबू, लो आ गए। क्या क्या हुआ अब्बू? कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले आते तो अबीर के साथ चले जाते। कहाँ गई है भाभी जान? बिलाल को बुखार हो गया, इसलिए डॉक्टर के पास दवा लेने गई। खैर, आप बताइए ऑफिस में सब कैसे चल रहे? सब ठीक है अब्बू। वो आदमी पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला? अबू, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले महीनों में कुछ नए प्रोजेक्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। बेटे, इस बात का ख्याल रखना, बिजनेस में खुद से ज्यादा कभी किसी पर भरोसा मत करना। लोग तो बस यही चाहते हैं तुम्हारा भला कभी ना हो, वो किसी का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते। जी अबू। बेटा, आजकल मैं रोज ऑफिस नहीं जा पाता हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ आप पर आ गई। अबू, आपने भी तो अकेले हम लोगों को संभाला है, अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपकी खिदमत करूँ और आपको शिकायत का कोई मौका ना दूँ। बेटे, हमें पूरा भरोसा है आप कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे, इसलिए तो ऑफिस की सारी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। लेकिन बेटा, हमारे साथ साथ आप इस बात का भी ख्याल रखें कि बड़े अब्बू को कभी शिकायत का मौका नहीं देना। आप जानते हैं ना उनका मिजाज किस तरह का है। अब्बू, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि बड़े अब्बू के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़े।
हेलो, मैं पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हैं? बस अभी घर से निकला हूँ। जल्दी पहुंचिए, मैं घर में ये बहाना बनाकर आई हूँ कि बिलाल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवा लेने जा रही हूँ। बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे आमने सामने तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है जिस पर तुम्हें शक हो? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, आज इस असलियत का पता चल जाएगा कि वो कौन शख्स है जो हारिस की आवाज में तुम्हें फोन करता है और हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आप प्लीज जल्दी पहुंचिए। तुम अपना ख्याल रखो, मैं आता हूं। ओके। हमारी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, बल्कि सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अबीर को आप जितना शरीफ समझते हैं उतनी वो है नहीं। अबीर हमारी बहू है और हमारी नजर में उसने आज तक कभी कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से हम उसे गलत ठहराए। हाँ, उसे गलत साबित करने में आपने खुद को गलत ठहराया है। माफ करना, आज तक आपका कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, मगर आज आपकी सोच उसके बारे में बदल जाएगी, क्योंकि आज उसके खिलाफ एक ठोस सबूत है मेरे पास। कैसा सबूत? वो आपसे कहकर गई है ना कि डॉक्टर के पास जा रही है बिलाल के लिए दवा लाने, जबकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर कहां गई है वो? यही पता लगाने के लिए मैंने मंतशा को डॉक्टर मुमताज के यहाँ भेजा है। अभी झूठी है ये भी साबित हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि अभी क्या है। पता नहीं बेगम, आखिर आप क्या साबित करना चाहती हैं? खैर, अगर इस बार अबीर गलत साबित हुई तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। जरूर, क्योंकि आज सिर्फ मैं और मंतशा ही नहीं बल्कि एक गवाह और भी है, डॉक्टर मुमताज। क्या आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ अबीर, मुझे वाकई लगा तुम्हारा फोन, मैंने तुम्हारा नाम भी ले लिया। जरूर ये मंतशा की हरकत होगी, आजकल वही मेरे सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। आइंदा पहले नाम पता कीजिएगा फिर बात कीजिएगा। वो दोनों माँ बेटी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किससे बातें करती हूँ। जब से जाफर मामू का हादसा हुआ, मंतशा और उसकी अम्मी बहुत होशियारी से काम करती है। अबीर, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी होशियारी बरतनी होगी। आप बजा फरमा रहे, हम दोनों को ही होशियारी से काम करना होगा, वरना कोई बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी। वो दोनों माँ बेटी खुद को बहुत चालाक समझने लगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि सांप भी निकल जाए और वो दोनों माँ बेटी लाठी पीटती रहेगी। अरे मंतशा आओ। बैठो। जी शुक्रिया। सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। बिलाल कैसा है? बिलाल बिल्कुल ठीक है। तुम्हें देखकर मैंने सोचा बिलाल की तबीयत कहीं फिर से तो खराब नहीं हो गई, क्योंकि डॉक्टर के पास ऐसे ही कोई नहीं आता है। पर मैं तो डॉक्टर साहिबा की खैरियत पूछने आई हूँ। अच्छा वो भाभी जान नहीं आई? नहीं, यहाँ पे तो नहीं आई है। अच्छा, कह रही थी कि आपसे मिलने आएंगी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहिबा अगर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ तो क्या मैं यहाँ बैठकर भाभी जान का इंतजार कर सकती हूँ? ओह श्योर, प्लीज बैठो। एक काम करो, जब तक तुम बैठो मैं पेशेंट्स चेक कर कराती हूँ। ओके? जी जी। आज तो अबीर का बचना नामुमकिन है। कमाल है, अभी तक नहीं है। हाँ, कहा तो था वो आएगा। जगह यही बताई थी ना? जी। तुम्हें अच्छी तरह से याद है? इतनी अहम बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? हो सकता है उसे पता चल गया हो कि मैं आने वाला था। लेकिन उसे कैसे पता चल सकता है? हो सकता है वो कहीं दूर से तुम्हें वॉच कर रहा हो और मुझे आते देख वो भाग गया। हाँ ये हो सकता है, अब क्या करें?
करना क्या, इंतजार करेंगे और क्या कर सकते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरा घर पहुँचना जरूरी है। अम्मी हमेशा मुझ पर शक करती रहती है और आज अब्बू घर पे हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है तुम चलो। और आप? मैं कुछ देर और यहाँ इंतजार करता हूँ, हो सकता है कोई ऐसा दिख जाए जिस पर शक हो। ओके मैं चलती हूँ, फोन कीजिएगा। करूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ गई थी? डॉक्टर के पास। झूठ मत बोलो, मैं सच्चाई जान चुका हूँ। क्या क्या जान चुके आप? यही कि तुम डॉक्टर का बहाना करके किसी और से मिलने गई थी। ये गलत है। यही सही है। तुमने कल फोन पर किससे बातें की थी और किसे मिलने का वक्त दिया था, यह सब मंतशा ने सुन लिया। जैसे ही तुम डॉक्टर का बहाना करके घर से बाहर निकली, मैं तुम्हारे पीछे चली गई थी और डॉक्टर मुमताज के यहां पहुंच गई ताकि तुम्हारा झूठ और सच पकड़ा जाए और तुम्हारी झूठ की पहचान हो सके। अब वो अब बोल, कहां गई थी, किससे मिलने गई थी? सच सच बताओ, बात यहीं खत्म हो जाएगी। अबू प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। जो भी है आपको हमें अभी और इसी वक्त बताना होगा, वरना मजबूरन हमें इनकी बातों पर यकीन करना होगा। बताओ बताओ क्या बात है, अब खामोश क्यों खड़ी हो? क्योंकि इसके पास आज कोई जवाब नहीं। यह एक बच्चन औरत है, इसने हमें धोखा दिया है। हमारे जज्बात के साथ खेला है, इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अब तक हम सबको बेवकूफ बनाती आई है, इसे और मौका नहीं देंगे, इसे अभी इसी वक्त इस घर से निकाल देंगे। अब आप तो यकीन कीजिए। बस अभी जो सच्चाई सामने आई है उसे सुनकर हमें आप पर से भरोसा हट गया है। अब तुम्हारे चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उठ चुका है, इस मासूम सूरत के पीछे जो बुराई छुपी हुई है उसकी असलियत सामने आ चुकी है। अब तक तुम अपने आंसुओं से और अपनी बातों से अब्बू की हमदर्दी हासिल करती आई हो, लेकिन आज इस घर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। चलो अब्बू निकलो यहाँ से। मैं चलत नहीं हूँ अब्बू। चलो निकलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। पहाड़ के नीचे कम से कम आप तो मुझे गलत मत समझे। अब्बू की प्यारी बेटी बनी फिरती थी, हमें अब्बू की नजरों में बुरा बना दिया, आज खुद कहेगी नहीं रही। अम्मी जान
कामयाब हो ही गया। अम्मी आपका भी जवाब नहीं, बड़ों से कैसे बात की जाती है तुम ये भी भूल गई? जब बड़े अपना फर्ज भूल जाए तो छोटों को भी कई बातें भूलनी पड़ती है। कहो क्या कहना है, अब जाओ, मुझे बहुत से काम पड़े हैं। जैसे कि आप जानते ही नहीं कि मैं आपसे क्या कहने के लिए आई हूँ। मैं कोई खुदा हूँ जो तुम्हारे दिल की बात जान लूं? बेहतर होगा कि मैं आपसे खुलकर बात करूं। क्या ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी कि एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाए? किसने किसका बच्चा छीना है? अच्छा तो अब आपको मुझे ये बताना पड़ेगा, आपने भाभी जान से उनके बच्चे को छीन लिया? मैंने किसी से किसी का बच्चा नहीं छीना। आप बनिए मत, मुझे बाजी ने सब कुछ बता दिया है। आपने भाभी जान से उनके बच्चे को छीन लिया और उन्हें घर से निकाल दिया? मैंने उसका बच्चा नहीं छीना, वो खुद ही बच्चे को छोड़कर गई है। वो बच्चे को छोड़कर नहीं गई है, आपने उन्हें घर से निकाला है। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसने हरकत ही ऐसी की है कि मुझे उसको निकालना पड़ा। अगर कोई आपसे आपका बच्चा छीन रहा है, वो भी बिलाल की उम्र का, तो क्या करेंगे आप बताइए? उसने मुझसे मेरे हारिस को छीना था, उसे उसकी सजा मिल रही है। उन्होंने हारिस भाईजान को आपसे नहीं छीना था, उनकी मौत हादसे में हुई थी। आप सिर्फ अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ये सब नाटक कर रही हैं। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैंने क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया कि तुम एक गैर के लिए मुझे गलत कहो? आप माँ है मेरी, आपने मुझे जिंदगी दी है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकती है, लेकिन अम्मी गलत बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये गई अली यावर एम्पायर की रीड की हड्डी। मैडम आपके लिए खुशखबरी है, अली यावर साहब के घर से एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर आई हूँ। कौसर, दुश्मनी के खेल में अपने वार से ज्यादा दुश्मन की चाल पे नजर रखनी पड़ती है। ऐसे अबीर को घर से निकाल दिया गया है, यही बताने आई हो ना तुम? जी मैम, मगर आपको ये बात कैसे पता चली? अली साहब के घर वालों ने तो अभी तक इस बात को घर की चार दीवारी के अंदर छुपा के रखा है। उस घर की बातें वो दुनिया से छुपा सकते हैं, मुझसे नहीं। जिंदगी में जितनी बार भी मैं टूटी हूं, उस घर की वजह से टूटी हूं, और इसी का बदला लेने के लिए उस घर से बाहर रहकर भी आज भी मैं उस घर के अंदर एक दिल में धड़कन बन के धड़कती हूं। पर अबीर को इस तरह घर से निकाल देने पर अबीर उनके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, और इस बात का फायदा हमें हो सकता है। तेज हवा के झोंके से फल टूटकर गिरेगा और मैं खाऊंगी, ये मेरी जिंदगी का उसूल नहीं है। मैडम आपको अबीर के इस इंसिडेंट से नहीं लगता कि अली यावर एम्पायर के गिरने की शुरुआत हो गई है? यू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। अली यावर एम्पायर ऐसे छोटे मोटे सजावट के बनावटी पिलर्स के खिसकने से नहीं गिरने वाला। इसे गिराने के लिए तो इसकी बुनियाद खोदनी पड़ेगी, और ये काम मैं करूंगी, सिर्फ मैं खोखला कर दूंगी उसकी बुनियाद को। आसमान की तरफ सिर उठाए यावर एम्पायर को खाक में मिला दूंगी मैं। अम्मी अब तो आप मान गई ना मुझे? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वो कभी इस घर से जाएगी, लेकिन हमने उसे घर से निकाल नहीं दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ मंतजा। अम्मी हम जो भी चाल चलते थे उस पर कोई असर ही नहीं होता था, और उल्टा हम ही लोग फंस जाते थे। हाँ, और हर बार तुम्हारे अब्बू के सामने मुझे गलत साबित कर देती थी, मगर इस बार तो मजा आ गया। लेकिन अम्मी अब्बू भी तो हर बार उसी का साथ देते थे, इसलिए इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया कि वो अब्बू की नजरों में कहीं भी ना रहे। वो तो जो भी काम करती थी, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, तुम्हारे अब्बू हमेशा अबीर अबीर करते रहते थे, और आखिर वो उनकी नजरों से गिर ही गई। और अम्मी ये हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी था, वरना इस बार भी हम लोग उसे घर से नहीं निकाल पाते। पर तुम यही सब बातें करती रहोगी या ये भी बताओगी कि तुमने आखिर ये सब किया कैसे?
अरे अम्मी वो मेरी फ्रेंड है ना सायमा, मैंने उसे सारी बात बताई, बस उसी ने मुझे ये आइडिया दिया। पहले ये तो बताओ कि वो आइडिया क्या था। सायमा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे अब्बू के सामने अबीर की असलियत आ जाए तो उसे घर से निकालने में आसानी होगी। तो मैंने सायमा के भाई से कहा कि वो हारिस भाईजान बनकर अबीर को फोन करे। बस अबीर अब्बू के सामने रंगे हाथों पकड़ी गई और हम जो चाहते थे वो हो गया। कमाल है, जो काम मैं इतने वक्त से नहीं कर पाई वो तुमने इतनी आसानी से कर दिया। खैर बला टल गई। अब उसे पता लगा होगा आखिर उसने किससे दुश्मनी मोल ली। बड़ा होशियार बनती थी, पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। अब तक तुम अपने आंसुओं से और अपनी बातों से अब्बू की हमदर्दी हासिल करती आई हो, लेकिन आज इस घर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। चलो अबू निकलो यहाँ से। बेचारा नहीं अबू। चलो निकलो यहाँ से, अबे कोई फायदा नहीं है। छोटी उम्र में माँ बाप को छीन लिया बेचार, और अब जो आखिरी सहारा था उसे भी छीन लिया। अबीर मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज भी वही बात कह रहा हूं कि तुम्हारे बिलाल को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक एक पल कैसे गुजारती हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक लम्हा आज तक अपने बच्चे से दूर नहीं रही। दिन और रात कैसे करते थे पता भी नहीं चलता था। और अब अभी तुम इस बात के बारे में जितना ज्यादा सोचोगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। तुम्हें अपने दिल को समझाना ही होगा। आप एक माँ से कह रहे वो अपने बच्चे के बगैर जिए। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बगैर जीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फिलहाल हालात ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इंतजार करना ही होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, मुझे बस बिलाल की याद आ रही है। पता नहीं वो किस साल में होगा कैसा होगा। अम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आपने भाभी जान को घर से निकाल दिया? मैंने उसे घर से नहीं निकाला। तो फिर वो चली क्यों गई? उसने जो गलती की उसकी सजा उसे मिली। अना ने मुझे सारी बात बताई, मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात के लिए आपको उन्हें इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये तुम मुझे सिखाओगे? अम्मी मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको एक बार सोच लेना चाहिए था। अगर उसकी गलतियों पर मैं इसी तरह सोचती रहती तो एक दिन वो कुछ ऐसा कर जाती कि हम कहीं के भी नहीं रहते। अम्मी आपकी सोच तो उनके लिए शुरू से अच्छी नहीं थी। कल मेरी सोच ने नहीं बल्कि उसके गुनाह ने उसे ये दिन दिखाया है और इसका सबूत भी है। आप मां हैं और मां तो अपने बच्चों की बड़े से बड़ी गलती माफ कर देती है, फिर आप ये गलती क्यों नहीं माफ कर पाई? ना वो मेरी बेटी थी और ना ही हारिस की बीवी, इसलिए मैं उसकी बड़ी से बड़ी गलती तो क्या छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं कर सकती। कम से कम आपको उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। उसके लिए क्या सोचना, इतना बड़ा घर है कहीं भी रह लेगा। कहीं भी रह लेगा लेकिन माँ के बगैर नहीं रह पाएगा। वो कितनी देर से रो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है? अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो जाओ जाकर उसे गले से लगा लो और माँ का प्यार दो। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बेरहम औरत है। बस
बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अब मियामी से बात करने का ये तरीका है। अब्बू आप सोचकर बताइए, मैंने जो कुछ भी कहा गलत कहा? जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ आबिर ही गलती थी। हम इस मुतल्लिक कुछ नहीं सुनना चाहते। जो तुमने कहना था कह दिया। पर खुदा आपके लिए बेहतर यही होगा आप इन सब बातों को छोड़ दें और जाकर बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चाहिए ऐसे हेलो अना कौन बोल रहा है? मैं अभीर बोल रही हूँ। भाभी जान आप कैसी हैं? आप बस जी रही हूँ। ऐसा मत कहिए भाभी जान, आपकी बहुत याद आती है, घर आपके बिना सूना लगता है। सोचो मेरी क्या हालत होती होगी बिलाल के बगैर। एक लम्हा भी गुजारना कितना मुश्किल है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। भाभी जान बिलाल बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। भाभी जान आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिलाल का ध्यान मैं रख लूंगी, आप बस अपना ख्याल रखिए। अना एक तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है। यहाँ किसी पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है और आइंदा यहाँ फोन भी मत करना क्योंकि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझी? अम्मी एक नई खबर है। अब कौन सी नई खबर है? फोन आया था अबीर मैडम का। अच्छा क्या कह रही थी? अना से बात कर रही थी, मैं वहां पर पहुंच गई, मैंने अना से रिसीवर छीन लिया और अबीर को ऐसा हड़काया कि आगे कोई फोन नहीं करेगी। उसे जितनी तकलीफ पहुंचेगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा, बहुत सताया उसने मुझे। एक तो झूठी कहानी बनाकर इस घर पर कब्जा कर लिया, दूसरा हम लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी। जब तक इस घर में रही मैं तुम्हारे अब्बू की नजरों में गलत बनी रही। अब मजा आ रहा होगा उसे, ना कोई रहने का ठिकाना और ना कोई सहारा। एक बच्चा था वो भी अब हमारे कब्जे में है। तड़प रही होगी बच्चे के बगैर, अच्छा ही है। उसने मुझे जितना तड़पाया है उतना ही वो भी तड़पेगी। लेकिन अम्मी एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? ये ताहा और अना हमेशा उसकी तारीफदारी क्यों करते हैं? अरे उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ताहा और अना को अपनी तरफ कर लिया, बस यही वजह है कि दोनों उसे गलत नहीं समझते। लेकिन अब उन दोनों को भी उससे गलत समझना होगा। जिस तरह तुम्हारे अब्बू के दिल में हमने उसके लिए नफरत पैदा की है ऐसे ही ताहा और अना की नजरों से गिराने में उसे कितना वक्त लगेगा। हमारी ये तमन्ना भी बहुत जल्द पूरी होगी मंतशा।